देखिए, माता मनसा देवी का आशीर्वाद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। भारी बहुमत से हम यहाँ से पंचकुला की सीट जीतेंगे। सर, कल कुमारी शैलजा दीपेंद्र हुड्डा निरंतर उनके बयान आ रहे हैं कि 60 प्लस है जो कांग्रेस पार्टी अब जीत रही है। देखिए, हर पार्टी अपनी जीत का दावा करती है, करना भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की खबरें हमारे पास पार्टी के सोर्सेस से आ रही हैं, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। जहां तक एग्जिट पोल या दूसरे नतीजों की बात करें, छत्तीसगढ़ के अंदर भी एग्जिट पोल जो थे बिल्कुल एडवर्स थे, सरकार कांग्रेस की दिखा रहे थे, लेकिन वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। और मुझे यहां पर भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर तीसरी बार यहां पर कमल खिलाएगा। आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में उसको कहां पर देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी एक टोकन, यू कैन से एज टोकन वो लड़ रही है, लेकिन कोई सीरियसनेस या कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कोई सीट आएगी, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन चुनाव चुनाव है, कोई भी पार्टी चुनाव में जीतने के लिए लड़ती है। क्षेत्रीय दल भी चल रहे हैं, उनको कहां देख रहे हैं? उन्हीं का फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और मैं समझता हूं कि जो क्षेत्रीय दल है वो काफी जोर शोर से लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, अब की चर्चाएं ये भी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो भी कुछ 7-8-10 के करीब सीटें निकालेंगे, क्या लग रहा है? और लेकिन हर बार देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछली बार भी 8 थे इंडिपेंडेंट, अब की बार भी हो सकता है, क्योंकि काफी रेबल उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से भी कुछ, भारतीय जनता पार्टी के भी रेबल हैं, उनमें से कुछ लोग जीत के आ सकते हैं। क्या उम्मीद करते हैं सर, पूर्ण बहुमत से बनेगी या गठबंधन करना पड़ेगा? किस तरीके से? नहीं, पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। आप अपनी सीट को लेकर पंचकुला से कितने आश्वस्त हैं? 110%, 110% हम ये सीट अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं।